पहले तो हमास की हालत और भी ज्यादा खराब है, हिजबुल्ला भी तबाही का डर यहाँ पर उसे सता रहा है, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक देश ने ही अब हमास के सबसे कट्टर दुश्मन से हाथ मिला लिया है। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या हमदर्दी दिखावा कर ये दिखाकर हमास के ही करीबी ने उसकी पीठ में छुरा भूक दिया। इसराइल ने कह दिया है कि हमास का खात्मा तय है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्ला की तबाही तय है। अमेरिका और इसराइल दोनों कह रहे हैं कि हूथी भी मारा जाएगा। ये धमकी गोली से दी जा रही है, बमबारी से दी जा रही है, मिसाइल के हमलों से दी जा रही है, लेकिन हमास को खत्म करने की सबसे बड़ी सुपारी तो उसके सबसे बड़े हिमायती ने ही दी है। गाजा की तबाही की स्क्रिप्ट अब मेड इन तुर्की हो चुकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि हमास से सबसे बड़ी गद्दारी तुर्की ने की है। कल तक हमास का फैन नंबर वन, उसकी हिमायत करने वाला, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले अर्दोगान ने हमास की पीठ में जैसे छुरा फूंक दिया है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड, हर मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का वादा करने वाले अर्दोगान ने इसराइल से दोस्ती का हाथ मिला लिया है। इस दोस्ती का मतलब है हमास की मौत, और इसमें अर्दोगान की मंजूरी शामिल है। अब तुर्की को इसी नजरों से देखा जा रहा है, जिसमें धोखा है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें हानिया की मौत भी छिपी हुई है। गाजा में बमबारी शुरू होने के बाद से तुर्की और इसराइल के बीच व्यापार 34.8% तक बढ़ गया है। इसराइल को तुर्की का निर्यात नवंबर में 319.5 मिलियन डॉलर से बढ़कर दिसंबर में 430.6 मिलियन डॉलर हो गया। यानी एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ तुर्की कारोबार कर रहा है। मतलब ये कि युद्ध होने के बाद से तुर्की और इसराइल के बीच व्यापार बढ़ गया है। जब गाजा में खून खराबा जारी है, तब तुर्की ने इसराइल को एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना लिया। तुर्की ने फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अपनी एक्सपोर्ट वाली डील से मिटा दी है। यही वजह है कि तुर्की और आसपास के पूरे पश्चिम एशिया के लोग अर्दोगान से सवाल कर रहे हैं। इस वक्त इसराइल की सेना की वर्दी भी तुर्की में बन रही है। इस वक्त इसराइल जिन जूतों से गाजा को रौंद रहा है, वो भी तुर्की में बन रहे हैं। इस वक्त ठंड से बचने के लिए इसराइल के सैनिक जिन गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तुर्की में तैयार हो रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि गाजा में अटैक के बाद सबसे पहले अर्दोगान ने इसराइल की निंदा की थी। अर्दोगान ने तो नेतन्याहू की तुलना हिटलर तक से कर डाली थी। अर्दोगान ने हर समय फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने का वादा किया था, लेकिन अब इस सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भले ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असल में तो वो नेतन्याहू के साथ मिलकर बहुत खामोशी से अपना कारोबार चमका रहे हैं। गाजा हर दिन मर रहा है, वहां के लोगों को युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर बढ़ते दिन के साथ गाजा में इसराइल की फोर्स का ऑपरेशन तेज होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के हिमायतियों की भी खैर नहीं है।
लाल सागर में कोहराम मचाने वाले हुथी विद्रोही अब अमेरिका और ब्रिटेन के टारगेट पर आ चुके हैं। ब्रिटेन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर डायमंड ने हुथी के 21 ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। डायमंड के हमले से हुथी विद्रोहियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस हमले में 18 ड्रोन, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होने के बाद ही गिरा दिया गया। गाजा में चल रही बमबारी के बाद हुथी प्रोएक्टिव है, उनको ईरान का समर्थन भी हासिल है। वो लाल सागर में इसराइल के जहाज को निशाना बना रहे हैं। 19 नवंबर के बाद से लाल सागर में कार्गो शिप पर ये हुथी का 26वां हमला था। हुथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं, क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हुथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। हुथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इसराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा अब हुथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इसराइल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहां पर हमला करने का मतलब इसराइल के गले पर हमला करने जैसा है। من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة آخر سمندر میں ایسا اُبال کیوں آ رہا ہے؟ अब यमन के हुथी विद्रोहियों ने इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी में और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हुथी विद्रोही जो गाजा पर इसराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं, ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इसराइल जाना है तो रास्ता 10000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा, 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट, यही है यमन के हुथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इसराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। यमन के हुथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललकारा है, यानी हुथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है।